मैं प्रोफेसी कर रहा हूं इस बात के लिए जिनके अंग मर चुके, जो जिनके अंग मर चुके थे, डेड थे, परमेश्वर आत्मा कहता आज से वो अंग काम करना शुरू करेंगे। हम सब इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जो बहुत बड़ी गवाही है, और इस बहन का नाम चरणजीत कौर है और जो इब्बन कला गांव के रहने वाले हैं, और इस सिस्टर की गवाही जे बता रही कि जब जे सिस्टर बचपन में इनकी एज 7-8 साल की थी, उस समय इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गई और जिसके कारण इन्होंने बहुत जगह से मेडिसिन खाई, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च किए, पर इन्होंने बताया कि वो दर्द रुकी नहीं, वो बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो गए और जिसके कारण इनकी प्रॉब्लम आगे आगे बढ़ती गई। और जैसे ही जिन्होंने बताया कि बाद में ऐसे 20 साल से इनके जो हाथ और पाँव हैं, पाँव के आगे वो टेढ़े हो गए और उसके भी इन्होंने मेडिसिन भी खाई और साथ में इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स भी आने लगे, और इन्होंने बताया कि दुष्ट आत्मा के कारण इनको बहुत सारे सियाने तांत्रिक बाबों के पास भी गए और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तांत्रिक बाबों के पास जाते रहे और बहुत सारे पैसे भी खर्च किए, अलग अलग बाबों को दिए और इनके टोटल 1 लाख के करीब इनके ऐसे बाबों को इन्होंने पैसे दिए, और इन्होंने बताया कि इतने ज़्यादा पैसे देकर फिर भी इनके जीवन में कोई भी वो जो छुटकारा इनको नहीं था मिल रहा और इनकी जो प्रॉब्लम वो बढ़ती गई और पैसे भी खर्च किए और मेडिसिन खाने के बाद इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई जिसके कारण ये बहुत परेशान हो गए। और इन्होंने बताया कि जैसे इनके पास प्रभु यीशु मसीह की गुड न्यूज़ पहुंची और जैसे जी सिस्टर यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए और इनको दुष्ट आत्मा के जैसे अटैक्स आते थे, और जैसे इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स आए, सबसे पहले हम उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। क्या हुआ इन्हें? दुष्ट आत्मा, ओ शैतान, चल छोड़। बोल क्यों पकड़ा तूने फिर? क्या नाम क्या तेरा? हाँ, ओ शैतान, क्या नाम क्या तेरा? हाँ, क्या नाम है तेरा? बोल क्या नाम है तेरा? हाँ, बोल क्यों पकड़ा तूने इसे? बोल क्यों पकड़ा तूने इसे? बोल, चल। हर जादू टूने की आत्मा, हर शैतानी बंधन, शैतानी मेज से जो खाया जो खलाया, मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। शैतान, जो तूने अपनी उस बंधन में इसे बांधा है, मैं तेरे हर एक बंधन को शैतान यीशु के सामर्थी नाम से तोड़ता। चल इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, उखड़, आउट, फ्री। जैसे जे हर मीटिंग में आते रहे और जो पॉजिटिव विश्वास, पॉजिटिव प्रेयर में जे बने रहे और धन्यवाद देते रहे, और जे सिस्टर बता रहे कि जैसे ही प्रभु के दास के मुख से, जैसे जे इस मीटिंग में आए थे और प्रभु के दास के मुख से हीलिंग हुई कि आप दिसंबर और नवंबर की मीटिंग में बने रहोगे तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को खड़ा करेंगे। तो जैसे ही जो सिस्टर ने इस वर्ड को रिसीव किया 4 नवंबर की मीटिंग में, और जब बता रहे कि जो धन्यवाद देते रहे कि निश्चय खुदा जो मेरे के ऐसे प्रॉब्लम है मेरे अंगों में,
आप मुझे बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर चुके हो, और जो रोज रोज प्रार्थना में बने रहे और प्रार्थना करते रहे, और जो सिस्टर बता रहे कि जैसे जे सिस्टर 7 नवंबर की मीटिंग में आए और प्रभु के दास के मुख से प्रोफेसी वर्ड आया, पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं इस बात के लिए जिनके अंग मर चुके हैं, जो जिनके अंग मर चुके थे, डेड थे, परमेश्वर आत्मा कहता आज से वो अंग काम करना शुरू करेंगे और ये धीरे 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 पूरी तरह सही हो जाएंगे। पर जो मैंने आज तुम्हें सिखाया है, अपनी आंखें बंद रखो, ये म्यूजिक कम करो, म्यूजिक कम करो। परमेश्वर आत्मा मुझे कह रहा है जिनके अंग डेड हैं, जिनके अंग डेड हैं, डेड हैं, मैंने जानता हूं वो जन्म से, जहां जन्म के बाद हुए, जहां जन्म से हैं, जो जन्म के बाद हुए। पर परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं मुझे कि ने बोल के जो मैंने आज अपनी आंखों के बारे इन्हें सिखाया है, तेरे मुंह से मैंने आज बोला है, उनको बोलना आज से मैं इनके अंगों को सही करना शुरू करूंगा और ये धीरे धीरे पूरी तरह सही हो जाएंगे। पर जो मैंने आज सिखाया इनको भूल के उन आंखों को मानना और उनमें चलना, तो मैं इन्हें चंगा करूंगा। रिसीव करो परमेश्वर की बात को, इस प्रोफेसी को, इस भविष्यवाणी को रिसीव करो। अगर उसकी आंखों को मानेगा तो वो कहता मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तो जैसे कलीसिया इस सिस्टर ने इस वर्ड को भी रिसीव किया और हर एक आज्ञा को मानते रहे, धन्यवाद देते रहे, क्योंकि जे सिस्टर ने बताया कि जे घर का कोई भी काम नहीं कर सकते थे, अकेले किसी भी जगह पर आ नहीं जा सकते थे, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, और जे सिस्टर बता रहे कि जे अपने कपड़े नहीं पहन सकते थे, घर का काम नहीं कर सकते, अकेले वॉशरूम नहीं थे जा सकते, पर जैसे जे सिस्टर ने इस वर्ड को रिसीव किया, धन्यवाद देते रहे, तो परमेश्वर ने उस अनुसार इनके जीवन में अपने जो अनुग्रह को किया। जैसे जे धन्यवाद देते रहे, आज जे सिस्टर ने बताया कि जे अकेले संगति में भी आ रहे ने, बस पर जे चढ़ नहीं सकते थे, और आज जे सिस्टर बस से अकेले संगति में भी आते हैं हर एक मीटिंग में, और जो वॉशरूम इनके साथ इनकी फैमिली जाती थी, अकेले नहीं जा सकते थे, अभी जे अकेले वॉशरूम भी जाते, अपने कपड़े भी पहन रहे हैं, और जो घर का काम नहीं कर सकते थे, आज परमेश्वर ने जो प्रभु के दास के मुख से इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया था, तो सच में कलीसिया जैसे जी आज्ञाओं को मानते रहे, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में जैसे जी घर का काम नहीं कर सकते, तो आज परमेश्वर ने इस कृपा को इनके जीवन में किया कि जो अपना घर का काम भी कर रहे ने। हम एक वीडियो को देखेंगे जो अपना काम कर रहे हैं। और ये बता रही कि 20 साल इन्होंने ऐसे कोई भी घर का काम नहीं किया था, 20 साल से जिस प्रॉब्लम थे, और आज परमेश्वर ने 20 साल बाद इनके जीवन में इस बड़ी गवाही को बनाया कि जी अपने घर का काम भी करें। हमने देखा है कि जो इनको इनके अंग मरे हुए थे, परमेश्वर ने इनको बल दिया, और आज ये सिस्टर अपना घर का काम भी करें, और परमेश्वर ने इनके जीवन में इस बड़ी गवाही को बनाया। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 करेंगे कि निश्चय जो खुदावन परमेश्वर ने इस बड़ी गवाही को इस बहन के जीवन में दिया, निश्चय
परमेश्वर आपके जीवन में भी हर वो गवाही को आज बनाने वाले हैं। कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे इन सब गवाहियों के लिए। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। नाम क्या है बेटा तेरा? चरणजीत। चरणजीत, कहाँ के रहने वाले हो? इबन कला। इबन कला। ये प्रॉब्लम आपको कब हुई थी? बचपन से के पैदा होने के बाद? नहीं पापा जी, मैं 8 साल दी सी तो इस तरह मेरा एक्सीडेंट हो गया सी। तो एक्सीडेंट हो तो 3 दिन बाद मेरी यहाँ दर्दना चालू हो गया सी। ये इसको आप ध्यान से देखो, इसकी टांगों को, इसके पैरों को देखो। ये कितने साल कभी वॉशरूम अकेली नहीं गई, अपने बाथरूम में कभी भी बस पर चढ़कर ये कभी भी अकेली जा नहीं सकती, सफर नहीं कर सकती, समझे? और कोई घर का काम नहीं आज तक किया। आज आपने वीडियो में देखा जे कैसे अब वॉशरूम जा रहे हैं और खुद ये अकेली बस पर चढ़कर यहां तक ये अकेली आ जाती है। और ये बड़ा काम किसने किया है? बोलो, ये बड़ा काम किसने किया है? आप बड़ा काम देखना चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के बड़े चमत्कार को, उस मिरेकल को देखना? वचन को पूरा करने से होगा। आपने देखी इसकी वीडियो, रोटियां बनाते हुए, घर का काम करते हुए किसने डिलीवर किया? क्योंकि इसने उस वचन को जो मेरे मुंह से प्रोफेसिव वर्ड आया छुटकारे का, रिसीव किया और ग्रहण किया और धन्यवाद देती रही। क्या देती रही? और खुदावंद ने इसके मरे हुए अंगों को जीवित किया। क्या किया है? इसके मरे हुए अंगों को जीवित किया है। आमीन। तैयार हो इस तरीके से जीने से? वो एक पीछे भाई ये पैरालाइज का अटैक हुआ, उसको मैंने बहुत बार, जब भी मैं आता हूं 12 बजे 11 बजे, मैं उसे बहुत बार ये चीज सिखा चुका हूं, भाई अपनी आदत बदल, तब परमेश्वर तुझे बदलेगा, क्योंकि बच्चा नहीं है। बोलो, परमेश्वर बच्चा? बच्चा नहीं। अगर आप उस तरीके के साथ जीने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर तैयार है आपको हर प्रॉब्लम से, दुख से छुटकारा देने के लिए, जैसे इसको दिया। तारीफ करो इस बात के लिए, खुदा के बड़े काम के लिए जो खुदावंद ने इसके जीवन में किया। अगर आप भी चाहते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। आमीन।